जय हिंद दोस्तों, जय शिवकाली। सुबह हो चुकी है, कल रात को यहीं पे रुके थे टेंट लगा के, और साइकिल पीछे थी। अभी धूप निकल चुका है, हालांकि टेंट के काफ़ी हिस्से अभी भीगे हुए हैं ओस की वजह से। रात के जो ठंड पड़ती है ना, सीट पड़ती है, उसके अंदर वजह से भीग जाते हैं। टेंट के नीचे टेंट लगाए थे, फिर भी भीग चुका है। तो अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा सूखना है, सामान पैक करते करते आई होप कि सूख जाए। उस साइड में भी भीगा है, खैर जो भी हो, थोड़ा सा सुखा लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। अभी बस सुबह को चलना ही शुरू किए, फिर से चेन टूट गई, थोड़ी सी खुल गई है, और फिर मैंने देखा तो प्लास नहीं था, तो मुझे यह लगा कि शायद जहाँ पे कल बनाए थे वहीं पे प्लास छोड़ दिए। पहले उसको लेके आते, होप कि मिल जाएगा। यहीं पे बैठ के बनाए थे बट मिला नहीं, अब और दिक्कतें बढ़ जाएगी। हे भगवान, हे राम कृष्ण हरी, क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे। अभी बस यहाँ पे रुके थे, भैया जी ने रोका था 2 मिनट के लिए, बातचीत कर रहे थे, कुछ ठंडा ठंडा पिलाया और बहुत सारे लोग आए थे, बातचीत होगी। और फिर आज यहाँ से, और कौन सा गांव है? मोआ 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 गांव है। हाँ पता है ना, मोआ नाम का एक गांव है, और फिलहाल जा रहे ईटानगर की तरफ, फिर जम गए थे। ऐसे तो अरुणाचल की हर जगह ही बहुत खूबसूरत है, फिर भी ना लोग भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, सो अच्छा लगता है। हौज में आके पहुँचे, और यहाँ से 3 रास्ता काटता है। एक रास्ता पीछे का जिससे मैं होते हुए आ रहा हूँ, और दूसरी है इधर 0 की तरफ जा रहा है, और एक है जो ईटानगर की तरफ जा रहा है। फिलहाल मैं ईटानगर की तरफ जाऊँगा। कहाँ से? हाँ जी, सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी, हाँ। उस दिन देखा है हम, आप अच्छा हमेशा देखते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये भाई साहब भी मिल गए, ईटानगर का रास्ता ही कटेगा ना? हाँ, तो बस अभी ईटानगर की तरफ चलेंगे, आज 2 मुख में जाके रुकेंगे, तो चलते हैं। अभी बस जा रहे थे इधर ईटानगर के रास्ते ना, तो ये पीछे जो भाई लोग दिख रहा है ना, वो भाई बोला अरे भैया आप पहुँच गए, हम लोग इस तरह मिल के जाएंगे। हम रुके यहाँ पे 5-10 मिनट से ना, अभी वो लोग अपना माल लोड कर रहे हैं, उसको उठा के लेके तब आएगा। खैर कोई बात नहीं, 5-10 मिनट इंतज़ार कर लेंगे, बेचारा काम कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पे रुके उनसे मिलके फिर आगे निकलेंगे। ये लेके आज दिन भर में 4 बार हो गया, एक बार तो चेन काट के तोड़ के भी बनाना पड़ा, इसी दिक्कत के वजह से मैं नॉर्मली रात को राइड करना नहीं चाहता, फिर से चेन टूट गया, फिलहाल इसे बनाना पड़ेगा। अभी 2 मुख में पहुँच चुके हैं, ये 2 मुख के आसपास कहीं भी रुकेंगे, सो बनाते हैं पहले इसको।
थोड़ा सा घूम रहे हैं दुई मुख में भाई के साथ, घर में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय शिव काली।